नमस्कार, वेलकम टू हिमाचली तड़का। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के गुलाब जामुन। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, और जितनी कटोरी सूजी है उतनी ही हमें चीनी, दो छोटी इलायची, मिल्क पाउडर और एक कटोरी दूध। अब हम बिल्कुल कम आंच पे इस सूजी को भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे। अब 2 से 3 मिनट मुझे इसे भूनते हुए हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे। अब इस सूजी ने सारा दूध ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसमें आपको लगे कि नीचे लग रहा है कढ़ाई में, तो आप हल्का सा चम्मच घी का डाल सकते हैं इसमें। और अब हमारा ये मिक्सर बिल्कुल तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमारा मिक्सचर ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच ड्राई मिल्क मिलाएंगे, और अब हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसका यही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जितना मक्खन की तरह इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन फटेंगे और सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे। तो इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह से। अब मैंने चाशनी बनाने के लिए इसमें एक कटोरी चीनी जो रखी थी वो डाल दी है, और उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बस अब ये थोड़ी देर में तैयार होने वाली है। तब तक, जब तक हमारे गुलाब जामुन तैयार होंगे, तब तक ये ठंडी हो जानी चाहिए। अब हमारी ये चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। इस तरह से इसको हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है, और इसमें मैंने इलायची पाउडर पीस के रखा है, वो डाल दिया। अब जब तक गुलाब जामुन तैयार होंगे, तब तक ये ठंडी हो जाएगी। अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके गोल गोल गुलाब जामुन बनाएंगे। आप देख लेंगे किस तरह से बड़े या जिस भी आकार के आप बनाना चाहें उस तरह से बनाइए। अब इनको पूरे हमने बना लिया है, पूरा जितना भी मिक्सचर था वो सारे गुलाब जामुन बना लिया। अब इनको फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़े थोड़े डालें। इनको आप बिल्कुल कम आंच पे रखें, और जिस जैसे भी ज़्यादा गहरा रंग चाहिए तो थोड़ी देर और इनको पकाएंगे, और इस तरह से इनको हिलाते रहें। अब हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल पक चुके हैं। अब इस तरह का कुछ कलर हो तो आप इनको उठा लें और चाशनी में डाल दें। देखिए, अब हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।
आप इस बात का ध्यान रखें कि इनको 15 मिनट तक कम से कम चाशनी के बीच में रखना है। और इनको गार्निश करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स, नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।